सियासत के जेलों की गुंडागर्दी का नया वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जुल्म की कितनी बहार है। बिहार में नीतीश सरकार के जेलों की गुंडागर्दी देखिए और सोचिए सत्ता के नशे में चूर नीतीश कुमार के चेले लोकतंत्र की पीठ पर कैसे लाठी भांज रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बिहार में जंगल राज की बात कर रहा है। इस वीडियो को देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि कैसे किसी एक शख्स को भीड़ मार देती है, कैसे किसी एक शख्स को भीड़ घेर लेती है, कैसे भीड़ एक शख्स पर बेरहम हो जाती है। इस वीडियो को देखिए और सोचिए सियासत हमें किस रास्ते पर ले चली है। पीएम मोदी के जयघोष के बीच में लोकतंत्र की पीठ पर पड़ती लाठियों की आवाज सुनकर संविधान का दिल बैठ जाता होगा, लेकिन लोकतंत्र क्या कर सकता है, संविधान क्या कर सकता है, क्योंकि पीएम की कुर्सी सबसे महान है। और कहते हैं ना, राजा के नाम पर की गई लूट लूट नहीं होती, लिहाजा सरकार के जयघोष के साथ किया गया जुल्म जुल्म भी नहीं होता। यही वजह है कि पुलिस वाले हाथों में हाथ दिए सरकारी गुंडों की गुंडागर्दी देख रहे हैं, क्योंकि डीजीपी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार का हर पुलिस वाला सियासत में अपना करियर देखने लगा है। लिहाजा सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह, किसी की पीठ तोड़ देना सियासी विरोध है। इसलिए ही कहा जाता है, सोच समझ कर वोट कीजिएगा, 5 साल आपको ही झेलना है। Oh, my God.